हे गाइस, रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था अबाउट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के बारे में, जो बहुत सारे मेरे दोस्तों को वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या है क्रिकेट का फ्यूचर, क्या 2024 ओलंपिक में क्रिकेट ऐड हो सकता है ओलंपिक में, एंड क्या हो सकता है क्रिकेट का नेक्स्ट फ्यूचर। तो आज की वीडियो में सब कुछ जानकारी मिलेगा। एंड गाइस, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखो। एंड तक देखने के बाद जो भी आपका ओपिनियन हो वो नीचे कमेंट में लिखना, आपकी कमेंट का मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ हिस्ट्री देखते हैं क्रिकेट की, ओलंपिक से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को देखते हैं। क्रिकेट फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक की सेकंड एडिशन में साल 1900 में खेला गया था, जिसमें ओनली टू टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड ग्रेट ब्रिटेन वाज द फर्स्ट टीम जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद इसका अगले ओलंपिक एडिशन जो 1904 जो होने वाला था स्टैन्स लुइस में, इसमें भी पहले क्रिकेट को रखा गया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एंट्रीज एंड फैसिलिटीज के कारण क्रिकेट 1904 की ओलंपिक में नहीं हुआ था। एंड इसके बाद से जितना भी ओलंपिक हुआ इन सारी ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड नहीं करा गया। एंड इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ड्यू टू लैक एंट्रीज एंड फैसिलिटीज के कारण क्रिकेट कभी भी ओलंपिक में नहीं देखा गया। नाउ आई एम टेलिंग द 5 रीजन व्हाई क्रिकेट नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। फर्स्ट वन, फॉर्मेट इशू। वैसे तो आज के एक दिन में क्रिकेट काफी सारी फॉर्मेट पे खेला जाता है, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इन तीनों फॉर्मेट पे क्रिकेट खेला जाता है। एंड इसके अलावा भी क्रिकेट 100, T10, T15 में भी खेला जाता है। बट रियलिस्टिकली देखे तो ओनली T20 फॉर्मेट को ही रखा जा सकता है ओलंपिक्स में। अगर आप ओलंपिक्स से गोल्फ को निकालकर सभी स्पोर्ट्स को डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एनी ओलंपिक स्पोर्ट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है एक इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से वो कम है। इवन एक T20 गेम को खत्म होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। एंड प्लेइंग ओनली T20 क्रिकेट इन ओलंपिक्स दैट माइट क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ दोस हु आर वाचिंग द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड वन, इशू विथ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। 1900 की बात से ओलंपिक्स में क्रिकेट को कभी भी शामिल नहीं किया गया, एंड इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। एंड ऑल्सो जब क्रिकेट 1980s-1990s में पॉपुलर होने लगे तब भी अनक्लियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशन लाइक वेस्ट इंडीज एंड UK के कारण ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं करा गया। एंड उस टाइम में वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड बहुत ही सुपर पावर टीम्स थी। लाइक आज के दिन जैसा हम देखते हैं क्रिकेट में इंडियन टीम बहुत ही आज के दिन डोमिनेंट है, तो उस टाइम में वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड बहुत ही डोमिनेंट टीम थे। एंड अनक्लियर पार्टिसिपेटिंग नेशन के कारण क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं कराया गया। थर्ड वन, इशू ऑफ गवर्नमेंट सिलेक्टेड टीम्स। तो आपको तो पता है BCCI सिलेक्ट द इंडियन टीम्स फॉर द एनी प्लेइंग वर्ल्ड कप एक्सेट्रा ऑल ऑफ थिंग्स। एंड BCCI एक प्राइवेट बॉडी है एंड इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं है। बट अगर बात करें ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स में गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा रूल होता है। एंड अगर क्रिकेट पार्ट हुआ ओलंपिक में तो गवर्नमेंट वुड गेट टू चूज द प्लेयर्स फॉर द स्क्वाड। एंड ऑब्जर्व being how poorly the other sports in the country are being maintained, I feel that this would be nothing short of an absolute disaster. तो मुझे third reason नहीं लगता है। फोर्थ वन इज ऑलरेडी फुल कैलेंडर। क्रिकेट ऑलरेडी हैव अ जैम पैक क्रिकेटिंग कैलेंडर एंड अ मेजर ICC टूर्नामेंट इज प्लेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वेदर इट बी अ चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, एंड वी हैव IPL, BBL, CPL, साउथ अफ्रीका 20, BPL, PSL, CPL, इंटरनेशनल T20 लीग एंड मेनी मोर। एंड जब मैं सबको देखता हूँ एक साथ, सो आई फील दैट शेड्यूलिंग इट वुड बी अ लॉजिस्टिक नाइटमेयर। फिफ्थ रीजन, इट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट। जो फिफ्थ रीजन है वो काफी वैलिड है, क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं है, ओनली साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में ही पॉपुलर है। एंड आज के टाइम में क्रिकेट ओवरऑल डाउन ही हो रहा है। एंड जो बिग नेशन है लाइक USA, चाइना, रशिया, जापान, यूरोप में क्रिकेट पॉपुलर ही नहीं है। एंड इन 5 रीजन से मुझे लगता है कि क्रिकेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। नाउ आई एम टेलिंग यू कैसे क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बन सकता है। एंड ये पॉइंट मैं जो बताने वाला हूँ ना, जो 5 रीजन मैं बताने वाला हूँ वो पिछले मेरे 5 रीजन को काउंटर करेगा। तो नंबर वन ने मैंने बताया था कि क्रिकेट का फॉर्मेट इशू है, लेकिन आज के टाइम ICC के ज्यादा कड़े रूल्स के कारण जो T20 मैच है, एक T20 मैच को 3 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा, एंड ये रूल अभी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है सभी टीम को। तो जो मेरा फर्स्ट रीजन मैंने बताया था कि फॉर्मेट इशू है, लेकिन जो अभी जो न्यू रूल्स ICC ने लेकर लाया ना, जो 3 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा, तो वो तो इंडिकेट देता है कि क्रिकेट एक पार्ट होने जा रहा है ओलंपिक्स की। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अनक्लियर पार्टिसिपेटिंग नेशन है लाइक वेस्ट इंडीज, UK,
तो गाइस जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में एक अलग फॉर्मेट यूज होता है, मतलब क्रिकेट में इंग्लैंड सेपरेट कंट्री रिप्रेजेंट होता है, स्कॉटलैंड सेपरेट होता है, ऐसे सेपरेट होता है। लेकिन जब ओलंपिक्स की बात आया तो ग्रेट ब्रिटेन एक इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स ग्रेट ब्रिटेन मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो अनक्लियर थॉट्स है क्या वो सिंगल कंट्री की तरह खेलेंगे या फिर एक कंट्री की तरह खेलेंगे, क्या वेस्ट इंडीज एक सिंगल वेस्ट इंडीज की तरह ही खेलेंगे ओलंपिक्स में या फिर सिंगल कंट्री वाइज माइक्रोनेशन जो है वो माइक्रोनेशन सिंगल सिंगल नेशन की तरह खेलेंगे, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एंड मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है गाइस वेस्ट इंडीज को सिंगल कंट्रीज के साथ ही खेलना चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर जितने भी कंट्री है ना, जो 15-16 कंट्रीज है इसके वेस्ट इंडीज के अंदर, तो मुझे लगता है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में ना भाग करना ही सबसे सटीक लगता है, क्योंकि आप देखो जब वो 15 कंट्री मिलकर वेस्ट इंडीज बनता है, अगर वो कंट्रीज को भी भाग भाग कर ले, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ेगा क्रिकेट में। एंड जब बात आता है वेस्ट इंडीज बोर्ड के लिए किसी प्लेयर खेलना, जब बात आता है अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। हाल ही में सीपीएल को देखते हो, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अभी भी उनको रिकॉग्निशन मिलना बाकी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। एंड गाइस मुझे लगता है कि मतलब कि एक वेस्ट इंडीज बोर्ड को रिप्रेजेंट करना, खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट करना, दोनों में अंतर है, क्योंकि जब हम खुद को कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो फीलिंग ही कुछ अलग होता है, हम नेशनल एंथम बोलते हैं, फीलिंग ही कुछ अलग होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि ओलंपिक के लिए वेस्ट इंडीज को, मतलब जितने कंट्रीज है जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो सिंगल सिंगल कंट्रीज की तरह ही पार्टिसिपेट करना देना चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ेगा। पता है कि इससे क्रिकेट का जो क्वालिटी है, जो मतलब कि जो क्वालिटी होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। नंबर 3 जो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सिलेक्टिंग द टीम्स, मतलब गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा इंडियन टीम्स को, एंड ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो डोंट वरी। नंबर 4 जो मैंने बताया था कि आईसीसी का ऑलरेडी फुल पैक कैलेंडर है, जी है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। तो आईसीसी को इसके बारे में तो जरूर सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है एवरी ईयर आईसीसी इवेंट्स को रखना क्रिकेट की ग्रोथ तो होगा, मतलब कि एक प्रकार हर साल आईसीसी इवेंट्स होना तो क्रिकेट की एक प्रकार ग्रोथ होगा, बट जो एक्साइटमेंट है ना, जो वर्ल्ड कप का एक एक्साइटमेंट है वो चला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हर ईयर वर्ल्ड कप होगा तो वो तो एक्साइटमेंट चला जाएगा। एंड गाइस इसके बारे में भी आईसीसी को सोचना पड़ेगा। एंड गाइस मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है गाइस जो बायलैटरल सीरीज होता है ना, जो अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस श्रीलंका खेलेंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सामने खेलेंगे, तो मुझे लगता है गाइस बायलैटरल सीरीज डज नॉट मेक एनी सेंस, मुझे लगता है। एंड इसके बारे में जल्दी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, क्यों मुझे बायलैटरल सीरीज कुछ सेंस नहीं लगता, तो इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। नंबर 5 जो मैंने बताया था कि इट्स नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, जी हाँ ये बात तो सच है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं है, बट ये आज तक है, कल किसने देखा है, मतलब आज के लिए शायद क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, बस अगर हमारी मेंटेलिटी चेंज हो क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट भी बन सकता है, तो इसलिए मैं जब 2022 की वर्ल्ड कप को एक सक्सेस तो बोलूंगा, क्योंकि उसको देखते हुए मुझे लगा कि क्रिकेट में टीम्स तो है लेकिन ड्यू टू लैक्स ऑफ आईसीसी की जो डिसीजन, उसके कारण क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब कि क्रिकेटिंग में टीम्स है, कॉम्पिटिशन भी है नीचे टीम्स में, बट आईसीसी की कुछ खराब फैसला के कारण क्रिकेट इतना ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहा है। एंड इसलिए मैं बार बार मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड बात करें क्या क्रिकेट 2024 की ओलंपिक पे शामिल हो पाएगा, जी नहीं, 2024 के ओलंपिक में तो क्रिकेट शायद शामिल ना हो पाए, लेकिन 2028 की लॉस एंजेलिस ओलंपिक में क्रिकेट पार्ट होने वाला है, मतलब क्रिकेट रिटर्न कर सकता है। आईसीसी ने रिसेंटली कहा है कि क्रिकेट 2028 की ओलंपिक के लिए क्रिकेट को वो वीट करेंगे, अगर वीट वो जीत जाए तो क्रिकेट होगा। एंड मेरा जितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे लगता है कि क्रिकेट 2028 में 100% होगा। एंड गाइस आपको मन में भी सवाल आया ना कि 2000 ओलंपिक्स में कितना टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, कितना क्या होगा, कितना ओवर का मैच होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर आई है, तो 2028 की लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में ओनली 6 टीम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, जो एक T20 फॉर्मेट का कॉम्पिटिशन होगा। एंड गाइस आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये मत सोचने लग जाना कि ओलंपिक होगा तो 16 से 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो गाइस क्रिकेट 128 सालों के बाद रिटर्न कर रहा है ओलंपिक में, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ ही हो जाए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि 2028 की ओलंपिक में अगर क्रिकेट एक सक्सेसफुल हो गया ना, तो 2032 की जो ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले, तो आपको तो पता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कितना पॉपुलर है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होगा ना तो क्रिकेट और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। एंड शॉकिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया बीट कर रहा है, एंड इंडिया में होगा तो क्रिकेट तो 100% होगा। एंड गाइस अगर क्रिकेट मतलब कि आज
से रफ्तार पा ले तो क्रिकेट अब सोचो कहाँ पे जा सकते, मतलब कि आने वाले 5-6 साल क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सन होने वाले हैं। एंड अगर इन 5-6 सालों में क्रिकेट एक अच्छा परफॉर्मेंस करे तो गाइस आप देखना क्रिकेट कहाँ जा सकता है। तो गाइस यही तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। एंड मैं लास्ट थिंग बोलना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ही मतलब कि मैंने लास्ट में इस पार्ट को इसलिए रखा क्योंकि मैं पॉजिटिव बातें बताने के बाद ही नेगेटिव बातें बताना चाहता था। जैसा कि आप लोग हॉकी को मान के चलो, हॉकी में वर्ल्ड कप भी होता है, ओलंपिक में भी हॉकी होता है। जैसा कि हॉकी में जो रेगुलर टीम वर्ल्ड कप में खेलेंगे वही सेम ही टीम ओलंपिक में भी खेलेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है जब दोनों फॉर्मेट को आप देखोगे तो सबसे पॉपुलर आपको कौन सा लगता है? तो शायद आप बोलोगे कि वर्ल्ड कप ही ज्यादा पॉपुलर होगा। जी नहीं, इसमें ओलंपिक ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है टीम में। इसलिए फुटबॉल में जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में रेगुलर टीम खेलते हैं, ऐसे ही फुटबॉल ने जो ओलंपिक में होता है ना उसमें U23 फॉर्मेट को रखा है, मतलब कि रेगुलर टीम ओलंपिक में नहीं खेलती है फुटबॉल में। क्योंकि अगर रेगुलर टीम दोनों में ही खेलेगा, ओलंपिक में भी खेलेगा वर्ल्ड कप में भी खेलेगा ना, तो शायद किसी ना किसी वजह से ना ओलंपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के कंपेयर से, मतलब ओलंपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के कंपेयर से। इसलिए ऐसा देखने को मिलता है जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड लेकिन जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक में हॉकी होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्या ऐसा सेम चीज क्रिकेट में देखने को मिलेगा? ये भी क्वेश्चन वाली बात, क्योंकि क्रिकेट में भी सेम टीम ही खेलेगा। जो टीम वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा सेम ही टीम ओलंपिक में भी सेम टीम ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या इससे जो वर्ल्ड कप है उसका पॉपुलरिटी में कोई असर पड़ेगा? ये भी देखने वाली बात जरूर होगा। तो गाइस यही है वीडियो, मुझे पता है वीडियो का क्वालिटी कुछ खराब है, एंड गाइस देखते रहिए वीडियो को। हैव ए